नमस्कार दोस्तों, हेमंत ALP यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे आज मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैंस। इसको एकदम डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि आखिर पाचन हम किसे कहते हैं। पाचन की परिभाषा का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। अगर कोई बाई चांस पूछ लिया कि पाचन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, जल में जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जल में जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, इन अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके, बदल के इन्हें अवशोषण योग्य बनाना। किस योग्य बनाना? अवशोषण योग्य बनाना पाचन कहलाता है। अब यह अवशोषण कहाँ पे होगा? तो इसका जवाब है कि अवशोषण रुधिर में होगा। यानी जो आप अघुलनशील पदार्थ खाए हैं, जैसे मान लीजिए आपने रोटी का एक टुकड़ा खाया, रोटी का टुकड़ा मुंह में जब तक जाता है तब तक वो अघुलनशील पदार्थ। अब यह रोटी का टुकड़ा मुख में जाने के बाद आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाने के बाद छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, मतलब कुल मिला जुला के कई शरीर के तंत्र में जाते जाते यह बदल जाएगा घुलनशील अवस्था में। और घुलनशील अवस्था में यह पूरी तरीके से बदलेगा छोटी आंत में। कहाँ पे बदलेगा? छोटी आंत में यह पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है और छोटी आंत में ही रसांकुर होता है। छोटी आंत में ही रसांकुर होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रस को अंकुरित करने वाला, रस को अवशोषित करने वाला। यानी जो घुलनशील अवस्था में पदार्थ है उसको रसांकुर के द्वारा अवशोषित करके रुधिर में मिला देना, और रुधिर में शिरा और धमनी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पाचन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि जो पाचन है यह कैसे होता है, तो देखिए पाचन की प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले इसमें भाग लेती हैं ग्रंथियाँ। देखिए, किसी न किसी ग्रंथियों के माध्यम से ही पाचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ग्रंथियों से रस का स्राव होता है। यानी कि कोई भी ग्रंथि हो, चाहे यकृत ग्रंथि हो, चाहे लार ग्रंथि हो, चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो, कोई भी ग्रंथि है, सभी ग्रंथियों से कोई न कोई रस स्रावित होता है और उस रस में एंजाइम होते हैं। उस रस में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और दोस्तों, यह एंजाइम क्या काम करते हैं? अगर आपसे पूछ ले एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं।
जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होता है, वैसे ही एंजाइम भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैसे जो भी जीव जंतु जीवित हैं उन कोशिका में ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। और उत्प्रेरक का काम करने के बाद यही एंजाइम जो होते हैं भोजन को पचाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई यह क्वेश्चन पूछे कि भोजन को कौन पचाता है, तो भोजन को एंजाइम पचाते हैं। अगर कभी भी आपके शरीर में एंजाइम नहीं है, तो भोजन जल्दी पचेगा नहीं। एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो यह रस से निकलता है। रस कहाँ से निकलता है? तो यह ग्रंथियों से निकलता है। यानी ग्रंथियों से रस का स्राव होता है और रस से एंजाइम का स्राव होता है और एंजाइम ही भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ लिया आहार नाल के बारे में, आहार नाल, तो ये आहार नाल का मतलब यह है कि जो आपका मुख से लेकर गुदा द्वार तक के पूरा आहार नाल है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। यहाँ मुख है, ये ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुदा द्वार तक जो पाइप है जहाँ से भोजन जाता है, उसके बाद गुदा द्वार तक जो भी पाइप है उसकी पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर है। जबकि उसमें सबसे बड़ा पार्ट लगभग 6 से लेकर 7 मीटर अकेले छोटी आंत होता है। अकेले क्या होता है? छोटी आंत होता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि पाचन में कौन कौन से मुख्य रूप से अंग काम करते हैं, तो सबसे पहला अंग होता है मुख। मुख से पाचन का क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। दूसरा नंबर जो आपका आता है वो ग्रसनी होता है। ग्रसनी या ग्रास नली में भोजन जाता है लेकिन यहाँ पे कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा आपका हो जाता है आमाशय, और आमाशय से भोजन डायरेक्ट चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से आपका भोजन डायरेक्ट चला जाता है बड़ी आंत में, और गुदा द्वार द्वारा हमारे उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों, अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आ गए, मानव का पाचन तंत्र, डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि डाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला भाग होता है मुख। पाचन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला भाग होता है मुख, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया मुख से ही क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू कैसे होती है? देखिए, मुख में एक म्यूसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? म्यूसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो भोजन को चिकना या लुगदी करता है। यानी कि आप कोई भी चीज़ खाएं, आप कुछ भी खाइए, इस म्यूसिन नामक पदार्थ का काम है कि भोजन को चिकना कर दे या भोजन को लुगदी कर दे। आप मीट, मुर्गा, मछली या कुछ भी खा रहे हैं,
अगर मांस खा रहे हैं तो उसका कलर लगभग लाल होता है, लेकिन ये म्यूसिन नामक पदार्थ मिलके उसको एकदम चिकना बना देता है। अगर आप उसे देखेंगे मुंह में कूचने के बाद तो उसका रंग लगभग सफ़ेद या चिकना हो जाता है। तो आपको सबसे पहला ध्यान यही देना है कि पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से। पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से। और म्यूसिन नामक पदार्थ कहाँ से निकलता है, मुख से, जो भोजन को क्या करता है, चिकना या लुगदी करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मुख में, तो मुख में देखिए पाई जाती है लार ग्रंथियाँ। मुख में पाई जाती है लार ग्रंथियाँ। इन लार ग्रंथियों की संख्या मुख में कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं, इनसे टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, यानी इन लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। और आपको मैंने बताया है कि टाइलिन एंजाइम हो या कोई एंजाइम हो, वह भोजन को पचाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। तो इसीलिए मुख से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में म्यूसिन नामक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा लार ग्रंथियाँ की संख्या 3 जोड़ी होती है, और इसका नियंत्रण जो करता है वह तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। अगर हम बात करें लार का पीएच मान, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि लार का पीएच मान 6.8 होता है। और पूरे दिन भर की बात करें तो हमारा शरीर 1.5 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, कि जो लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लार में 3 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें से पहला एंजाइम हो गया टाइलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। या आप कह सकते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम होता है, वह जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को सरल शर्करा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करने का काम टाइलिन का होता है। या इसी स्टार्च को आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। इस ग्लूकोज को माल्टोज में, ग्लूकोज को माल्टोज में बदल देता है कौन, टाइलिन नामक एंजाइम। यानी जो ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, इसे डाईसैकेराइड में बदलने का काम कौन करता है, टाइलिन नामक एंजाइम। दूसरा, अब देखिए जो ग्लूकोज बदल गया किसमें, माल्टोज में, तो जो माल्टोज का काम है, माल्टोज खाने में मिठास लाता है। खाने में क्या करता है, मिठास लाने का काम किसका है, माल्टोज का है, ठीक। और एक तीसरा जो पाया जाता है उसका नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं मुख के लार ग्रंथियों में। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। पशुओं में थायोसाइनेट के रूप में पाया जाता है, जो कि घावों को सुखाने में मदद करता है। अब देखिए यही जो लाइसोजाइम होता है, यह पशुओं में दूसरे रूप में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं थायो
साइनेट। पशुओं में इसे क्या कहते हैं? थायोसाइनाइड। देखिए, कभी भी पशुओं को चोट लगता है तो वह अपने जीभ से उसको चाटते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो लाइसोजाइम हम लोगों में पाया जाता है, वही पशुओं में थायोसाइनेट के रूप में पाया जाता है और घाव को सुखाने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी लार ग्रंथियां हैं उसमें तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, या आप सीधा कह सकते हैं कि ग्लूकोज को माल्टोज में परिवर्तित करता है। दूसरा जो पाया जाता है, अभी ग्लूकोज बदल गया है माल्टोज में, तो दूसरा पाया जाता है माल्टोज। माल्टोज खाने में मिठास के लिए उत्तरदायी होता है। और तीसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करता है। जैसे हमारे जीभ में कभी भी छाला इत्यादि होता है, तो उस छाले इत्यादि से सबसे पहले लाइसोजाइम ही लड़ता है। जब लाइसोजाइम लड़ना फेल हो जाता है, तभी हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है। यही लाइसोजाइम पशुओं में थायो साइनेट के रूप में पाया जाता है। इसीलिए पशु अपने जीभ से चाट के घाव को क्या करते हैं? भर लेते हैं। अब देखिए, बात हुई कि हमारा जो मुख से प्रारंभ हुआ पाचन, अब मुख से हमने भोजन खाया। भोजन जब हम खाते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अब यह भोजन मुख में जो है, मुख से आ रहा है ग्रास नली में। देखिए, ग्रास नली एक नली है। ग्रास माने भोजन और नली माने नली। ऐसी नली जो भोजन को पहुंचाने का काम कहीं कर रही है, उसे हम ग्रास नली कहेंगे। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह डायरेक्ट जाके आमाशय में क्या होती है? खुलती है। इसे हम निगल द्वार भी कहते हैं। अब देखिए, आपका भोजन मुख से डायरेक्ट कहाँ पे आ गया? आमाशय में। ये वाला भाग आपका जो है आमाशय है। ये वाला भाग आपका क्या है? आमाशय है। अब देखिए, जो आमाशय होता है, आमाशय जो होता है, इसमें एक प्रकार का जठर रस होता है, या एक प्रकार का रस होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, इसका मतलब यह भोजन को अम्लीय कर देगा, यह भोजन को खट्टा कर देगा। और भोजन को खट्टा इसलिए कर रहा है क्योंकि यह चाहता है कि भोजन सड़े ना, यानी भोजन को सड़ने से बचाता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस जो होता है, वह भोजन को सड़ने से क्या करता है? बचाता है। और देखिए, भोजन का जो संग्रह होता है, वह आमाशय में बहुत ज़्यादा समय तक होता है। लगभग 4 से 5 घंटे भोजन आमाशय में अम्लीय बन के एकदम सुरक्षित पड़ा रहता है, सड़ने से बचता है। ठीक है, इसके बाद भोजन को धीरे 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 पतला लेई जैसा बनाने का काम भी आमाशय करता है। और भोजन के साथ अगर कुछ जीवाणु आ गए, तो उन जीवाणुओं को मारने का काम भी कौन करता है? आमाशय करता है। तो देखिए, आमाशय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय सबसे पहले हमारे भोजन को सड़ने से क्या करता है? बचाता है। हमारे भोजन को सड़ने से क्या करता है? बचाता है, क्योंकि जो HCl है, यह भोजन को कैसा बना दिया? अम्ली बना दिया। और भोजन का संग्रह बहुत महत्वपूर्ण रूप से करने का काम आमाशय करता है।
भोजन को पतला लेई जैसा बनाने का काम आमाशय करता है। भोजन में साथ में जो जीवाणु आए उनको नाश करने का काम आमाशय करता है। अब देखिए, आमाशय किसका किसका पाचन करता है? अभी आप जाने कि जो मुख होता है, मुख तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मुख अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तो आमाशय किसका पाचन करता है? देखिए, आमाशय से आमाशय भी एक पाचक ग्रंथि है और इस ग्रंथि से निकलता है रस और उस रस से निकलता है एंजाइम और एंजाइम भोजन को क्या करता है? पचाता है। अब देखिए, इसमें से एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। पेप्सी जो आप पीते हैं वो पेप्सिन जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम आपके कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है और यह पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। किस चीज़ का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? आमाशय में जो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है वह करता है। और इसके अलावा देखिए, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। कहने का कुल मिला जुला के मतलब यह है कि अभी आपने देखा कि मुख में पाचन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का तो और पाचन हो ही रहा है, इसके अलावा प्रोटीन का भी पाचन कहाँ पे हो रहा है? आमाशय में पेप्सिन एंजाइम द्वारा। यहाँ मुख में प्रोटीन का कोई भी पाचन नहीं हो रहा था। तो अगर आपसे आमाशय के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि भोजन के पाचन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया अगर कहीं पे होती है तो वह कौन है? आमाशय। यहाँ पर जठर रस पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जठर रस अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा ऊर्जा उत्पादन कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है। अगर भोजन सड़ने से बचा रहेगा तो ऊर्जा का उत्पादन करता रहेगा तथा हानिकारक जीवाणुओं को यह क्या करता है? नष्ट करता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी जठर रस का है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यह भोजन को सड़ने से बचाता है इसलिए इस जठर रस या HCl को हम आमाशय का फ्रीज भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आमाशय का फ्रीज कौन है, तो देखिए, फ्रीज का काम है कि भोजन को सड़ने से क्या करना? बचाना। भोजन को जल्दी खराब होने से क्या करना? बचाना। तो आखिर जठर रस या HCl भी तो वही काम कर रहा है, भोजन को सड़ने से बचा रहा है। तो इसलिए HCl या जठर रस को हम आमाशय का फ्रीज कहते हैं। इसके अलावा देखिए, आमाशय के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम से और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम से होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण, अगर बहुत अधिक मात्रा में आमाशय से इस जूस का, इस रस का स्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर होने लगा तो हमें अम्लता हो जाएगी। अम्लता का मतलब यह है कि हमारे पेट में गैस बनने लगेगा। हमारे पेट में क्या होने लगेगा? गैस की समस्या हो जाएगी। और हमारे पेट में अगर अम्लीयता हो गई तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की ज़रूरत होगी, हमें गैस की दवा की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कभी भी अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे कि आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और जठर ग्रंथियों के द्वारा
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक आंतरिक सतह को सुरक्षा म्यूकस प्रदान करता है। इसमें म्यूकस जो होता है वह आमाशय के आंतरिक जो भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। दोस्तों यहीं पे हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसे हम रेनिन कहते हैं, रेनिन प्रोटीन कहते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम रेनिन कहते हैं और यह द्रव अवस्था में दूध में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में दूध में होता है। तथा यही रेनिन नामक प्रोटीन अगर ना हो तो आप चाहे नींबू डालिए, चाहे छेनक पानी डालिए, चाहे जो डालिए, दूध कभी फटता ही नहीं। ये रेनिन नामक प्रोटीन जो होता है यह दूध को फाड़ने में मदद करता है। दूध को फाड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे जाएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेनिन प्रोटीन पाया जाता है। किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और दूध को फाड़ने का काम भी कौन करता है? रेनिन नामक प्रोटीन ही करता है। अगर यही रेनिन जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है यही अगर HCl से क्रिया कर ले, किससे क्रिया कर ले? HCl से क्रिया कर ले तो ये बदल जाता है केसीन में, ठीक है, ये बदल जाता है केसीन में। और केसीन भी रहता क्या है? प्रोटीन है। अब देखिए दूध दूध का जो सफेदी है, दूध का जो रंग है, दूध का जो रंग है वह सफेद है या उसमें सफेदी जो रहती है उसका कारण कौन होता है? केसीन नामक प्रोटीन होता। अगर यही केसीन नामक प्रोटीन दूध में नहीं होता तो शायद दूध सफेद भी नहीं होता। यानी दूध की सफेदी केसीन प्रोटीन के कारण आती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, अगर यही केसीन नामक जो प्रोटीन है अगर यही केसीन HCl से क्रिया कर ले, किससे क्रिया कर ले? HCl से क्रिया कर ले तो यह बनाता है पर केसीनेट। क्या बनाता है? पर केसीनेट। और पर केसीनेट का काम है जो दही ठोस अवस्था में रहती है, दही ठोस अवस्था में जो रहती है उसका कारण है पर केसीनेट। अगर पर केसीनेट जीवाणु नहीं होता तो दही कभी भी ठोस अवस्था में नहीं होती, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम पॉइंट है कि दूध का पीलापन, दूध का सफेदीपन तो केसीन के कारण है लेकिन दूध का पीलापन अगर पूछ लेगा किसके कारण है, तो दूध का पीलापन जो है केरोटीन के कारण है। किसके कारण है? केरोटीन के कारण है। और दूध का पीला रंग राइबोफ्लोविन के कारण भी होता है, अर्थात विटामिन B2 के कारण भी होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग अभी तक बात किए हैं कि हमारा भोजन सबसे पहले कहाँ से आया? मुख से, फिर ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे पहुँचा है? आमाशय में। अब ज्यों ये आमाशय से भोजन निकलता है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दे रहा हूँ,
ज्यों भोजन आमाशय से निकलता है, भोजन ज्यों आमाशय से निकलता है, यहाँ पे बगल में आपको एक अंग मिलता है, इस अंग का नाम है यकृत। देखिए यकृत में भोजन जाता नहीं, यकृत में भोजन जाता नहीं, तो जो यकृत है ये तो पाचन में भाग ले रही है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों अप्रत्यक्ष रूप से? क्योंकि भोजन यकृत में जा ही नहीं रहा है। भोजन तो आपका आमाशय से धीरे 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 ज्यों यहाँ पे पहुँचता है, आमाशय से वह ज्यों यहाँ पे पहुँचता है, आमाशय से ज्यों यहाँ पे पहुँचता है, क्यों? देखिए यकृत अपना काम करना क्या करता है, शुरू कर देता है। देखिए जो यकृत आपकी है, जो लीवर आपका है, ये पित्त रस का स्राव करता है, यानी पित्त रस जो है निकालता कौन है? पित्त रस निकालता है यकृत। और आपको बता दें कि पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है, अर्थात पित्त रस का जो है गुण वो क्षारीय होता है, यानी पित्त रस जो है क्षारीय होता है। अब एकदम ध्यान से देखेंगे जो पित्त रस होता है यकृत स्रावित करके, इसी में यकृत के अंदर एक पित्ताशय होता है, उसी में क्या किया रहता है, इकट्ठा किया रहता है। अब भोजन जो है ज्यों यहाँ से निकला, आमाशय से निकल के ज्यों यहाँ पे गया, तो ये पित्ताशय इकट्ठा, जो पित्ताशय है ये पित्ताशय तुरंत एक्टिव हो जाएगा, इसमें सेंसर लगा है, तुरंत एक्टिव हुआ और पित्ताशय तुरंत पित्त रस को क्या किया, छोड़ा। दिमाग से एकदम यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ से भोजन, आमाशय से भोजन जब यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे जो पित्त रस में पित्ताशय एकत्रित था, ये सेंसर की तरह एकदम देखा कि अरे ये तो भोजनवा भाग रहा है, तुरंत इसमें जाके क्या होगा, मिल जाए। यानी इस भोजन में ज्यों यहाँ पे पित्त रस मिला, तो पित्त रस का मान 7.7 है, यानी पित्त रस उस भोजन को जो अभी तक अम्लीय था, अब यहाँ के बाद ज्यों जाएगा वह भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाए। और भोजन क्षारीय बस इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अब यह जल्दी से क्या हो जाए, सड़ जाए। ठीक, अब देखिए भोजन पहुंचा है यहाँ तक, तब तक यहीं बगल में आप देखेंगे तो बगल में एक और ग्रंथि आपको मिलेगी, इस ग्रंथि का नाम होता है अग्नाशय। इस ग्रंथि को हम अग्नाशय या इस ग्रंथि को हम पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, अब ज्यों भोजन यहाँ से, तो ये ज्यों भोजन यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, क्यों इस अग्नाशय से तीन प्रकार के रस निकल के इस भोजन में क्या होंगे, मिल जाएंगे। देखिए इसमें से एक एंजाइम निकलेगा, एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लेकिन यहाँ पे केवल निकल के मिल रहा है, पाचन तो छोटी आंत में करेगा। एक लाइपेज एंजाइम निकलेगा जो वसा का पाचन करेगा, एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भोजन जो है आपका यहाँ से, ज्यों आपका आया यहाँ से, पित्त रस मिल गया यहाँ पे, फिर भोजन आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ज्यों यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से तीन प्रकार के एंजाइम इसमें मिल गए। अब ये तीनों प्रकार के जो एंजाइम यहाँ पे मिल गए हैं, इसके साथ आपका भोजन पहुँचेगा डायरेक्ट आपका कहाँ पे, छोटी आंत में। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब छोटी आंत। अब भोजन जब छोटी आंत में पहुँच गया, कहाँ पे पहुँच गया, छोटी आंत में पहुँच गया, तो यही छोटी आंत में आपका पूर्ण पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज पूरी तरीके से पचा देगा, वसा को लाइपेज पूरी तरह से पचा देगा,
और प्रोटीन को ट्रिप्सिन पूरी तरह से पचा देगा, और पचाने के बाद आमाशय के छोटी आंत के ही अंदर, छोटी आंत के ही अंदर जो है होता है रसांकुर, जो मुख से अघुलनशील पदार्थ आया था वह अब यहाँ तक जाते जाते एकदम घुलनशील हो गया। तो घुलनशील होने के बाद रसांकुर के द्वारा वह क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा और पूरे शरीर को ऊर्जा देगा। ठीक है, अब हम यहाँ यकृत से एक बार पुनः देख लेते हैं कि यकृत में हमने आपको सबसे पहले यह बताया कि यकृत जो पाचन में भूमिका निभाती है वह कैसे निभाती है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं होता है सबसे पहली बात, और यकृत जो होता है यह पित्त रस का क्या करता है, स्राव करता है। पित्त रस एक पीला द्रव होता है जिसमें 90% पानी होता है, और इसका पीएच मान मैंने आपको बता दिया 7.7 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। अब ये भी मैंने बता दिया कि पित्त रस जो है एकत्रित कहाँ पे रहेगा, पित्ताशय में रहेगा, जिसको अंग्रेजी में हम गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत ही है, और यकृत का काम है जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जितने भी मान लीजिए यहाँ मुख से और आमाशय से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उन विषाक्त पदार्थों को सामान्य पदार्थ में बदलने का काम, टॉक्सिक मटेरियल को सामान्य मटेरियल में बदलने का काम, यानी सुरक्षात्मक कार्य करता है यकृत। देखिए यकृत ही जो होता है वो विटामिन ए का संश्लेषण करता है, विटामिन ए का पाचन या संश्लेषण कौन करता है, यकृत ही करता है, और भोजन को क्षारीय बना देता है ताकि भोजन जल्दी से क्या हो जाए, सड़ जाए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, जैसे देखिए पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के समय शरीर के यकृत भाग को ही चेक किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि अगर ऑपरेशन करके, अगर आपका ऑपरेशन करवा दिया जाए और आपके इस पित्ताशय को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो हमें जो उच्च वसा युक्त भोजन खाएंगे, कैसा भोजन खाएंगे, उच्च वसा युक्त भोजन या चिकनाई वाले भोजन जैसे घी या तेल खाएंगे तो कभी पचेगा नहीं। तो ये पित्ताशय जो होता है भोजन को क्षारीय बना देता है जब, तो चाहे वो वसा युक्त, चाहे जितना वसा युक्त हो, चाहे जितना चिकनाई वाला भोजन हो, उसको पचाने में यह मदद करता है। अगर यही पित्ताशय न होता तो हमें डॉक्टर सलाह देता कि भैया उच्च वसा युक्त आहार या चिकनाई वाले आहार अब आपको नहीं खाने हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अब देखिए भोजन जब यहाँ से आपका क्षारीय बनते हुए आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अग्नाशय, और आपको बताया गया कि अग्नाशय से अग्नाशयी ग्रंथि से रस निकलते हैं और उन रसों से एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम ऐसा निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है जिसका नाम एमाइलेज है, एक एंजाइम ऐसा निकलता है जो वसा का पाचन करता है जिसका नाम लाइपेज है, एक एंजाइम ऐसा निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है जिसका नाम ट्रिप्सिन है। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि ये अग्नाशय ग्रंथि जो होता है इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का रूप है, और जो अंतःस्रावी वाला इसका भाग है, अग्नाशय का जो अंतःस्रावी वाला भाग है जिसे हम एंडोक्राइन ऊतक वाला भाग कहते हैं, उसी में एक द्यूप पाया जाता है, इसी में एक क्या पाया जाता है, द्यूप पाया जाता है, जिसे हम लैंगर हैंस की द्यूपिका कहते हैं, जिसे हम
यहाँ पे अगर अग्नाशय की बात हम करें, थोड़ा सा एक मिनट समय देकर, कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज, ये भी भोजन को पचाने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। ठीक, इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब यह होता है कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का मिश्रित रूप होता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण आपका होता है अंतःस्रावी। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें एंडो क्राइन ऊतक होता है, जो अग्नाशय का अंतःस्रावी वाला पार्ट है, उस अंतःस्रावी वाले पार्ट में एंडोक्राइन ऊतक होता है, उसी में एक द्यूप पाया जाता है, यानी कि इस एंडोक्राइन ऊतक के अंदर एक क्या पाया जाता है, द्यूप पाया जाता है, जिसकी खोज लैंगर हैंस ने किया है, इसीलिए इसे हम लैंगर हैंस की दीपिका कहते हैं। लैंगर हैंस की क्या कहते हैं, दीपिका कहते हैं। अब इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लैंगर हैंस की दीपिका की बात अगर किया जाए, तो यहाँ पे हम बना देते हैं छोटा सा, इसकी आकृति जो होती है लगभग ऐसी होती है। ये आपका हो गया लैंगर हैंस की द्यूपिका। इसका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो आपकी लैंगर हैंस की दीपिका है, लैंगर हैंस की दीपिका है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना या हार्मोन उत्पन्न करना। और इन हार्मोन्स का क्या काम है, तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना हार्मोन का काम है। अब देखिए इसमें से हार्मोन के बारे में हम लोग अगर देख रहे हैं, तो लैंगर हैंस की दीपिका में तीन सेल होते हैं, तीन कोशिकाएं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है और एक डेल्टा सेल होता है। लैंगर हैंस की दीपिका में तीन सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है और एक डेल्टा सेल होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अल्फा सेल से, तो यहाँ से स्रावित होता है ग्लू के गान, ग्लू के गान यहाँ से स्रावित होता है। ग्लूकेगान एक हार्मोन है, बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, आप इसका नाम जरूर याद रखे रहिएगा। ग्लूकेगान हार्मोन लैंगर हैंस की दीपिका से अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। दूसरा है बीटा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अगर बात करें ग्लूकेगान हार्मोन्स अल्फा सेल से, इंसुलिन हार्मोन्स बीटा सेल से निकलता है। ठीक है,
अब एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज आप जानते रहिए कि इंसुलिन जो होता है यह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करता है, जबकि शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम ग्लूकेगान करता है। दोनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एकदम आसानी से आपको जानना है कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपके शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अग्नाशय सही काम नहीं करेगा तो आपकी लैंगरहैंस की द्वीपिका भी काम नहीं करेंगी और बीटा सेल भी काम नहीं करेगा और इंसुलिन का हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो आपके शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं रहेगी। और आपके शर्करा की मात्रा अगर नियंत्रित नहीं रहेगी तो आपको मधुमेह या डायबिटीज या शुगर नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपके शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका में अल्फा सेल से ग्लूकेगान हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता चला जाएगा, और रक्त में शर्करा की मात्रा अगर बढ़ेगी तब भी शुगर हो सकता है। जो आपका डेल्टा सेल है यह इंसुलिन में पाए जाने वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो आपके इंसुलिन में ग्लूकोज पाया जाता है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? डेल्टा सेल। यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसुलिन की खोज 1921 में बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था और इसका निर्माण डहेलिया नामक पौधे की जड़ों से होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डहेलिया नामक पौधे के किस चीज़ से? जड़ से होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया था कि भोजन जो है आपका यहाँ से मिला और फिर आ गया डायरेक्ट छोटी आंत में। अब छोटी आंत को ही हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, क्षुद्रांत। छोटी आंत को ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अब हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो छोटी आंत होती है पाचन की प्रक्रिया पूर्ण जो होती है वह छोटी आंत में ही होती है। अब छोटी आंत में आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका वसा हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, इन तीनों का पाचन एक साथ छोटी आंत में होता है। कैसे होता है? इस कार्बोहाइड्रेट को अग्नाशय वाला एमाइलेज पचा देता है, इस वसा को अग्नाशय वाला लाइपेज एंजाइम पचा देता है, इस प्रोटीन को अग्नाशय वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पचा देता है। ये पूरे तरह से छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। अगर सीधी भाषा में आप कहेंगे तो जो आंत की ग्रंथियां हैं वो पाचक रस और पाचक एंजाइम निकाल के भोजन के पाचन का कार्य करते हैं, और भोजन जब भी आपका घुलनशील अवस्था में हो जाता है तो रसांकुर भाग के द्वारा यह क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज, वसा का पाचन लाइपेज और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम कर लेता है। इसके अलावा इन सब का अवशोषण जो है रसांकुर के द्वारा होता है, और अवशोषण के बाद भोजन जो है घुलनशील अवस्था में रक्त में मिल जाता है।
अगर आप बात करें इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो इस छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अगर कभी फुट में पूछ लिया तो 22 फुट होती है। क्षुद्रांत्र यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, यानी ये छोटी आंत जो है ये जो भी स्राव प्राप्त कर रहा है, या तो यकृत वाला प्राप्त कर रहा है या तो अग्नाशय वाला प्राप्त कर रहा है। इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि यकृत से जो पित्त रस आ रहा है वो भी यहीं पे आ रहा है, और जो आपका यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम आ रहे हैं वो भी यहीं छोटी आंत में ही आ रहा है। अब भोजन जाएगा कहाँ पे? अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में। अब देखिए भोजन यहाँ से पहुंच गया कहाँ पे? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए बड़ी आंत की लंबाई कितना है? 7 फीट है। इसे बड़ी आंत को ही हम बृह दांत्र कहते हैं। जैसे उसे हम छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते थे, वैसे इसको हम बृह दांत कहते हैं। और इसका मुख्य काम है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, या सीधा आप कह सकते हैं मल त्याग। मल त्याग अर्थात अपच व अपशिष्ट, जो अपच पदार्थ रह गए हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ रह गए हैं, उनको गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो मेन काम होता है वह बड़ी आंत का होता है। और अगर हम बात करें जो बड़ी आंत होती है वह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। देखिए क्षुद्रांत यानी जो आपकी छोटी आंत है वो पतली है, लेकिन इसको आप बड़ी आंत को देखेंगे तो यह कैसी है? चौड़ी है। लेकिन अगर लंबाई में देखेंगे तो ये 6 से 7 मीटर है, और ये केवल 7 फीट है, लगभग 2 मीटर के आसपास है। तो इसका मतलब लंबाई में तो बड़ी आंत क्या है? छोटी है। लंबाई में बड़ी आंत क्या है? छोटी है। लेकिन चौड़ाई में अगर देखेंगे तो चौड़ाई में बड़ी आंत ज़्यादा है और छोटी आंत चौड़ाई में कम है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब भोजन मलाशय से बाहर हो गया, यह अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भोजन की प्रक्रिया है, भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है, मुख से शुरू होती है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाती है, आमाशय से डायरेक्ट यह पहुंच जाती है छोटी आंत में, लेकिन उससे पहले यकृत और अग्नाशय अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। छोटी आंत में पाचन पूर्ण होने के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, जो अपच पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, बड़ी आंत में जाके और मलाशय या गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यही जो प्रक्रिया मुख से शुरू होकर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जा रही है, इसी को हम पाचन कहते हैं। और इसमें जितने भी शरीर के अंग भाग लेते हैं, उस भाग लेने के कारण इसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि पाचन तंत्र आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर अब पाचन तंत्र क्लियर नहीं होगा और जितनी भी सारी चीज़ें हम आपको बताए हैं वो याद नहीं रहेंगी, तो पाचन क्रिया कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख के, अच्छे से नोट्स बना के, बढ़िया से पाचन तंत्र चैप्टर को तैयार कर लीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।